नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और लॉकडाउन के दौरान हम एक खास सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ठहाके लगाओ और टेंशन भगाओ। बीमारी मन के अंदर होती है, अगर आप मन में मान लें कि मैं बीमार हूं तो आप बीमार ही बने रहेंगे। इसीलिए इस लॉकडाउन के दौरान टेंशन मत लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने इस वक्त को एंजॉय करिए। और इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कॉमेडी के अमिताभ बच्चन राजू श्रीवास्तव जी से। अगर इन्हें कॉमेडी का अमिताभ बच्चन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कॉमेडी के महानायक है, इस सदी के सबसे बड़े। राजू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूंगा, धन्यवाद गजोदर भैया, कैसे पैदा हुए थे ये भी मैं आपसे जानूंगा, लेकिन आपकी एंट्री हुई है तो एंट्री जोरदार होनी चाहिए और एंट्री के लिए आपका एक बहुत शानदार जोक तो बनता है, क्योंकि हमारा कार्यक्रम का नाम है ठहाके लगाओ टेंशन भगाओ। सही कह रहे हैं आप। अभी मंदिर गया मैं तो प्यारी जी थे, मैंने कहा चलो दूर से सही प्रसाद ले लें, तो मैंने कहा पंडित जी प्रसाद दे, हाँ बच्चा हाथ आगे लाओ, हाथ आगे लाओ बच्चा, हाँ हाँ हाँ, अरे अरे ये क्या, अरे क्या दे दिया बच्चा, ये सैनिटाइजर है, इससे हाथ रगड़ लो इसके बाद प्रसाद लो। राजू भाई, सबसे पहले मैं आपके संघर्ष की शुरुआत करूंगा। मुझे वो याद, राजू श्रीवास्तव भी याद है जिसने मुझे बताया था कि वो ऑटो चलाया करते थे अपना पेट भरने के लिए और ऑटो में सवारियों को जोक सुनाया करते थे, बदले में वो टिप देते थे। कैसे वहां से आपका सफर बढ़ा, मैं चाहता हूं कि एक ऑटो वाला जोक सुनाइए। और ऑटो राजू श्रीवास्तव चलाते थे, क्या चलाते थे और कौन सा गाना बजाते थे और कौन कौन से जोक सुनाते थे? बिल्कुल, ये बात है 1982 की, जब मैं कानपुर से बम्बई आया तो यहाँ काफी संघर्ष करता रहा तो पैसे खत्म हो गए, तो किसी ने कहा टैक्सी चलाओ, साइड में चलाना चाहिए, तो फिर मैंने सीखा किसी से ऐसे ही और कुछ ही दिन चलाया तो मेरे पैसेंजर बड़े खुश रहते थे, मैं कुछ ना कुछ बोल के उनको हंसा देता था। एक बार उनको क्रिकेट का जोक सुनाया था कि दोनों अंपायर जा रहे थे टॉस के लिए, अंपायर ने सिक्का उछाला, अंपायर को मालूम नहीं कि एक कैप्टन हकला है, बोलने में अटकता है, अंपायर ने तो कॉइन उछाल दिया, उससे बोल, हाँ बोलो 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 कौन सा, यही वाला। तो ये मुझे याद आता है। और एक काम सुनाया करते थे कि हमने एक दिन अपने बिल्डिंग के वॉचमैन को देखा तो यहाँ पे उसके कुछ टैटू बना हुआ था, टैटू बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गिटार बना था, टैटू का गिटार। हमने कहा गिटार क्यों बनाया, अरे राजू भैया अच्छा रहता है, मनोरंजन हो जाता है, गरीब आदमी है, अब डिस्को इसको हम तो जा नहीं पाते हैं, तो मनोरंजन हो जाता है। हमने कहा इसमें मनोरंजन कैसे होता है, अरे जब ये इसको खुजाते हैं तो बजता है, अपना संगीत अपना गिटार, और ये गिटार कभी चोरी भी नहीं होता है। अच्छा राजू भाई, आप फेमस हुए थे अमिताभ बच्चन की कॉमेडी को लेके, आपका कोई आइकॉनिक एक्ट, आप मुझे आप अमिताभ की मिमिक्री करके दिखाइए कि आप अमिताभ को कैसे हूबहू शब्दशः कॉपी कर लेते थे जिससे खुद महानायक इंप्रेस हो गए थे। अरे आपको पता है दीपक भाई जी, ये जो बुफे सिस्टम खाना है ना, हाँ, जो हम लोग नहीं वहां जाके छाती पे प्लेट रख के खाते हैं, हाँ, है? देखो पहले जब खाना लगता था, आपको भी पता है, पहले बारात आती थी तो सब जमीन पे बैठते थे, मतलब दरी बिछी होती थी, पंगत बिछती थी, सब बैठ के खाते थे, और तरक्की हुई, इंसान ने और तरक्की की, खाना जमीन से उठ के टेबल पे आ गया, और तरक्की हुई, अब खाना जो है ऐसा यहाँ पे छाती पे लगा के खा रहे हैं लोग। आगे चल के आप देखना किसी बारात में जाएंगे, खाना हवा में लटक रहा होगा, तो बाराती बात करते करते कहेंगे ध्यान रखना इधर से रोटी गिर रही है, गुड्डू ध्यान रखो दो रसगुल्ला उधर गिरे, दो आदमी उधर खड़े रहो, अम्मा का रसगुल्ला नहीं मिला, अरे 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 वो देखो बैंगन गिर रहा, बैंगन सब्जी भरता ले। हाँ, मुझे एक बात और बताइए, आपने मुझे एक बार सुनाया था कि आप कैसे शोले फिल्म भाग के देखने जाया करते थे और उसके किरदारों की एक्टिंग किया करते थे, तो मेरे ख्याल से शोले का एक आध किरदार हो जाए, और आपका पसंदीदा किरदार शोले में कौन था जिसकी सबसे अच्छी मिमिक्री आप करते थे? शोले में के बहुत सारे किरदार, शोले का एक बनाया था कि गजोदर भैया शोले देख के आए हैं,
जी, और अपने दोस्तों को शोले की कहानी सुना रहे हैं जी। हाँ तो शोले अच्छा दिखाया है, समझे संकटा है यादव, शोले सिनेमा अच्छा दिखाया है, कह रहा कि जो है बसंती घोड़ा बैठी है, समझा, घोड़ा दौड़ा रहे गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, घोड़ा दौड़ा रहे, घोड़ा दौड़ा रहे, हाँ घोड़ा दौड़ा रहे, हम घबरा गए, हम इसरत बोले अरे बचो नहीं, घोड़ा निकल कहीं कुर्सी में ना आ जाए, तो हमसे कहे लगे अरे चुप बैठो ये सिनेमा है, अरे हमका तो का मालूम सिनेमा है, हमका मालूम सिनेमा है, घोड़ा तो नहीं मालूम सिनेमा है, लेकिन दोस्त हीरोइनी बहुत जोरदार दिखाए रहा, हेमा मालिनी नाम धरे रही है, हाँ बाबा हम पता चला जू पे रहती है, हाँ दो साल हो गया कपड़ा धो काम किया रहा, हाँ चार महीने का पगार नहीं दिया है, बड़ा आदमी है गरीब का पैसा मार लेता है, तो कह रहा कि बसंती बहुत जोरदार दिखाया, खूबसूरत है, बहुत ही जोरदार है बसंती जो है, अब बसंती को लाइन मारता रहा धर्मेंद्रा हीरो नाम रखे रहा, आज सनी देओल का बाप नहीं है, हाँ बाबी देवल का, हाँ वही हेमा मालिनी में लाइन मारता रहा, अब आगे तो शादी भी किया है, वो कहे ओ जब तक है जा जाने जा मैं नाचूंगी, इतना हमको बढ़िया लगा समझा यादव, तो हम छुट्टा पैसा निकाल के पर्दम फेंके, तो ससुराल गेट कीपर लोग हमको दो चार झापड़ मारे, हमका काहे मार रहा है, हमको मजा आ रहा, कैसे बैठो ज्यादा मजा ना लो समझे, बैठे रहे भैया, एक और हीरो है हमारे इलाहाबाद के हैं, हाँ बच्चन हुआ, बच्चन हुआ मस्त काम किया है, हाँ समझे, अरे गुल का शरबत बना दे समझे, ए भैया कुंजीलाल भैया गुल का शरबत मंगा लो, हाँ हाँ जला बिड़िया जला, बच्चन हुआ जो रहा है वो विधवा पे लाइन मारता रहा, हमको बाद में हमें गांव के लंबरदार बताए, कहे कि ये यही की मेहरिया है, छटंकी है थोड़ी, ये लंबे हैं, लंबे आदमी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब बरसात होता है तो सबसे पहले वही भीगता है, नाटे आदमी तक पानी देर से पहुंचता है, तो लाइन मारते हैं, अब भैया जो है वो जो बहुरिया रही ठकुरुआ की, वो बत्ती बुझा रही जला रही बुझा रही जला रही, आई जो है बाजा बजा रहे, अरे हम कहा लगे रहो भैया दोनों जने लगे रहो, हम सब उत्तर प्रदेश के भैया लोग तुम्हारे साथ है, खेला अच्छा दिखाया है, और लेकिन वो बहुत कुत्तागिरी काम किया रहा गब्बर, हमेशा कहता रहा होली कब है होली कब है, इस बार हम रामगढ़ हम खुद गए, हम जाके वहां बता के आके भैया गब्बरुआ को बता दो कि होली 10 तारीख का है, तो गब्बरुआ बहुत खोखार दिखाया है, कुत्ता गिरी काम किया है, फालतू बात करता है गब्बरुआ है, दोस्त दोस्त को जुदा किया है, यहाँ खा के गुटखा खा खा के ये जो है दांत खराब किया रहा है, तो का मालूम है जो ये गुटखा खाता है ये मसाला खाता है, वो जब खाता है उसमें का संदेश छुपा है, संदेश नहीं मालूम क्या छुपा है, जब मसाला खाता है आदमी तो उसका देखो कैसा स्टाइल रहता है, ऐसे पूरिया ऐसे करके ऐसे 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 उंगली से ऐसे करता है, उसका मतलब है भगवान हम जल्दी ऊपर आएंगे समझे, तो गब्बरुआ के बाद में मगर दो चार बातें सोले हमें समझ में नहीं आया है, कहे कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी नमकीन हो जाती है, अरे नमकीन का मतलब दालमोट हो जाती है कि का हो जाती है, नमकीन फरसा हो जाती है थेपला हो जाती है, हम नहीं देखा कोई की औरत जो है नमकीन हो गई हो और वही से जो है लेके सब्जी में बना दिया हो डाला हो, ये सब फालतू बात दिखाया है, हाँ मगर एक बात है समझे यादव, सोले दिखाया जोरदार है, पैसा वसूल है सोले, झूठ काय बोले भाई, हम झूठ बोलते नहीं, बहुत शानदार राजू भाई। अच्छा राजू भाई मुझे ये बताइए कि आपके दिमाग में इस गजोदर भैया का जन्म कैसे हुआ, कैसे ये कैरेक्टर गजोदर निकला और कैसे आपने धीरे धीरे इसको इवॉल्व किया? या हम लोग जो कानपुर में थे और जब स्कूलिंग हो रही थी तो जाहिर है जो गर्मी की छुट्टियां होती 2 महीने की वो हमारी बीती थी ननिहाल में, हमारा माता जी का गाँव है उन्नाव के और आगे लालगंज के पास दीघापुर, तो वहाँ जाते थे, तो वहाँ एक हमारे बारबर थे
नाई थे, वो बाल काटने आते थे, तो वो उनका नाम गजोरदर था और मुझे याद रह गए वो। मैंने जब बंबई के लिए रवाना हुआ तो वो नाम वो करेक्टर याद रहे। वो बड़े मजेदार थे, बड़े निश्चिंत होके आते थे। आजकल के तो बच्चों को पता भी नहीं, वो आते थे बाल काटने के लिए, बकसिया लेके आते थे, और जैसे ही उन्होंने बेल्ट लगाया तो मुझे लगा, तो मैंने कहा अरे ये, अरे गजोदर भैया बदल दो। अरे जितनी देर में बदलेंगे उतने में तो बन जाएगा। हाँ, तो पहला कई बार तो आधा आधे बाल काट के और खेतों पे चले जाते थे। हमसे कहते तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तो रहोगे ना तो कल बना देंगे। तो कल आते थे, फिर डाकुओं की कहानियां वहानियां कहानी किससे सुनाते थे, तो वो याद रह गए। तो फिर जब मैं मुंबई आया और किसी में मुझे करेक्टर की जरूरत पड़ी तो मैंने गजोदर शब्द ऐसे ही यूज कर लिया। तो फिर लालू जी हो जाए सबसे पहले, और उसके बाद मुलायम सिंह यादव, सबसे पहले लालू जी। हाँ, तो लालू जी अगर आज की डेट में, आज की जो समस्या चल रही है, जो देश एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उस पे लालू जी क्या कहेंगे? कौन करोना फरोना है, फालतू बात कर रहा है। करोना होता है, करोना का डरो, डरता का है, कुछ नहीं होगा, भाग जाएगा। थोड़ा संयम बनाए रखिए, संयम रखिए, कंट्रोल रखिए, घर पे रहिए। अफवाह फैलाते हो, अफवाह फैलाने वाले को चार जूता मारो, सब अच्छा हो जाएगा, लोगों का मदद कीजिए। ये जो चाइना है, चीनी ससुरा दुनिया में यो आतंकवाद फैला दिया, सांप के खड़ा बिच्छू और चमगादड़ तक निपटा दिया। पहले अपन घर फूका, फिर दुनिया सगरी जला दिया। और सुनिए कहा जा रहा, और सुनिए चाइना वाला क्या किया है, फैलाया कोरोना दुनिया में और सबको घर बैठा दिया। सब गलत करता है, थोड़ा सा भगवान को मानिए, अपने संस्कृति में रहिए, और जो जो प्रकृति से प्यार करिए, प्रकृति से। सब पैसा बनाने के लिए सब अपना जो जमीन बेच रहा है, सब नहीं चलेगा। सब करोना फरोना कुछ नहीं है, सब भाग जाएगा, घबराना नहीं। अब मुझे बताइए, अगर मुलायम सिंह यादव राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे हो ठीक मोदी जी की तरह, तो कोरोना पर मुलायम सिंह यादव का राष्ट्र के नाम संदेश क्या होगा? अब हम बहुत दिनों के बाद अपने घर में बैठे, अभी तवेश रहते, कातम है, दिल्ली रहते, कलकत्ता रहते, घर में बैठे नहीं, घर में बैठे वही मिला। अब हमें अखिलेश के बच्चों को उत्तर टाइम नहीं दिया, अब हम राम गोपाल छिपाओ, हम सब लोग जब घर में बैठे, घर में बंद, अब क्या करें? अब जब घर में हम लगातार रहे तब हमें पता चला कि हमारे घर वाले लोग भी अच्छे लोग हैं। पहले कार्यकर्ता कुछ बता रहे सब चमचागिरी कर रहे हैं, उनको भका रहे हैं, उसको भका रहे हैं। अब घर में हम जब बैठे लगातार, सबसे बात हुई तब पता चला सब अच्छे लोग हैं। एक काम अगर अच्छा किया, ये बोल रहा है इसको समझे करोना, एक काम सुन है, अब हम बोल रहे हैं, खड़े बात नहीं सुने हैं, आप कैमरा रखिए। एक काम अगर अच्छा किया कि सबको हाथ धोना सिखा लिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा राजू भाई। अच्छा राजू भाई, मुझे ये बताइए कि आपने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉमेडी करने की कोशिश नहीं की, उनकी कभी नकल नहीं उतारी, ऐसा क्यों? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल उतारी, और इनफैक्ट मोदी जी से जब मैं मिलने गया तो मोदी जी ने कहा कि तुम सबकी नकल करते हो, मेरी करते हो कि नहीं? तो मैंने कहा सर अगर मैं आपकी नकल नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर इल्जाम लगता है। लोग कहते हैं अच्छा जो पावरफुल है उसकी करने में। तो मोदी जी ने कहा नहीं, आपको करना ही चाहिए, जब आप मंच पे हैं तो सबको हंसा रहे हैं, वहां एक पार्टी के लोग नहीं है, आप एंजॉय करा रहे हैं, सबको हंसा रहे हैं, तो वहां पे आपको करना चाहिए। तो मैंने कहा सर मैंने किया हुआ आपको बताऊं? तो बोले हाँ सुनाओ।
सुनाया एग्जैक्टली। मैंने कहा मोदी जी, मैं पिछले दिनों पुष्कर के मेले में गया था, वहां मेला लगा हुआ था, तभी एक टेंट से आवाज आ रही थी, आइए भाई साहब, आइए बीन जी, ये भाई साहब, ये भाई साहब, आइए आइए बेन जी, 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनना सीखिए, आइए भाई साहब, 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनिए, आइए नया फॉर्मूला, आइए आइए आइए। मैंने कहा सर, मैंने 100 रुपए दिया, अंदर गया, वो कमीना मेरे से चाय बनवा रहा था। तो मोदी जी ने इसमें जो ऐड किया दीपक जी, उन्होंने कहा नहीं सही कह रहा था, पहली सीढ़ी तो वही है। फिर मोदी जी से मैंने रिक्वेस्ट की, हमें कहा आदरणीय मोदी जी, छोटे मुंह बड़ी बात, आपकी सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, ये मेडिकल फैसिलिटी हो रही है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान योजना है, और लोगों को गरीबों का मेडिकल इंश्योरेंस हुआ है, सब अच्छा हो रहा है, और स्वच्छ भारत भी अच्छा है सर, लेकिन सर ये खुले में शौच ना बंद करवाइए, ये खुले में शौच चलने दीजिए। तो बोले क्यों? हमें सर, मैं महसूस कर रहा हूँ पिछले 4-5 साल से अब आलू में स्वाद नहीं आ रहा है। एक और मैंने मोदी जी को सुनाया था एग्जैक्टली, हमें सर पिछले दिन आप लखनऊ आए थे दशहरे के मेले में, तो हमें कहा सर छोटा सा मैदान और वहां करीब 5 लाख आदमी एक साथ बोल रहा है मोदी 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 मोदी, इसी भीड़ में एक 3 साल का बच्चा मोदी 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 मोदी। मैंने उसकी माँ से कहा, मैंने कहा भाभी जी देखिए इससे कैसे लोकप्रियता, 3 साल का बच्चा मोदी मोदी कह रहा है। तो बोले भाई ऐसे बस्ती बात मत कर, चिढ़ाओ मत, ध्यान से सुनो, वो कह रहा है गोदी, तुम्हें गोदी लेना पड़े तो पता चले 27 किलो का है, इसके साथ जितने पैदा हुए थे सब लंबे हो गए, ये खा खा के गमला हुआ जा रहा है। बाद में पता चला बच्चा मोदी कह रहा था, महिला कांग्रेस की थी। बहुत बढ़िया दीपक जी, पुलिस के मना करने के बाद भी, सरकार के समझाने के बाद भी लोग बाहर निकल रहे हैं, ये बहादुरी दिखा रहे हैं, ये गुस्सा आता है कि कुछ समय है, कुछ दिन तो फॉलो कर लो कुछ नियम, बाहर निकलते हैं। मुझे लगता है अगर इतने शेर हैं, इतने बहादुर हैं, तो इनकी ड्यूटी लगा दो कोरोना वायरस के मरीज की मदद के लिए, जब वहां से भागे तो बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं। करो मदद करो, तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम तो शेर हो भाई। चलिए थैंक यू राजू भाई, आपने हमसे बात की, इतना गुदगुदाया, वक्त वक्त पे हम आपसे मिलते रहेंगे, आपको तकलीफ देते रहेंगे ताकि आप देश को इसी तरह हंसाते रहे। और अब आप अपने नए रोल में हैं उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम के चेयरमैन के तौर पर, तो हम चाहते हैं कि उसमें भी आप बहुत अच्छा काम करें। आपने हमको इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई। धन्यवाद।